अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से ही, जहां सापरा जाएगा डालीगंज रेलवे स्टेशन। अमृत भारत योजना के तहत इसका भी विकास होगा। नवरात्रि के बाद से ही रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। 17 करोड़ रुपए की लागत से विकास होगा। रोज लगभग 800 यात्री का आवागमन होता है। तो आपको बता दें कि सावरा जाएगा डालीगंज रेलवे स्टेशन। ज्यादा जानकारी लेंगे, अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना अमृत भारत योजना के तहत अब सावरा डालीगंज रेलवे स्टेशन का विकास कार्य होगा। देखिए, लखनऊ का डालीगंज रेलवे स्टेशन काफी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर भी जो पुराने लखनऊ के लोग हैं, यहाँ से तकरीबन 800 यात्रियों का रोजाना आवागमन होता है। और यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ही अब अमृत भारत योजना के तहत 17 करोड़ रुपए से इस डालीगंज रेलवे स्टेशन को संवारने की बात कही जा रही है। और इसमें अभी 800 जो यात्रियों का आवागमन होता है, इसके अलावा 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन और 3 जोड़ी जो है एक्सप्रेस ट्रेन का भी आवागमन होता है। तो यहाँ पर भी यात्री, जैसे कि चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ का मुख्य रेलवे स्टेशन, लेकिन उसी की तरह यहाँ पे तमाम रेलवे स्टेशन, चाहे वो फिर उत्तरखिया रेलवे स्टेशन हो, ऐशवाग रेलवे स्टेशन हो, बादशाहनगर रेलवे स्टेशन हो, या फिर डालीगंज रेलवे स्टेशन हो, या गोमती नगर रेलवे स्टेशन हो, धीरे धीरे यहाँ के जितने भी जो लिंक है लखनऊ मेन लखनऊ रेलवे स्टेशन से, वहां पर भी संवारने का काम हो रहा है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन का भी काम यहाँ पर शुरू हो चुका है, यहाँ सवारा जा रहा है, लगभग पूरा होने की कगार पे। इसी तरह अब अमृत भारत योजना के तहत डालीगंज रेलवे स्टेशन है, इसको भी सवारा जाएगा। तकरीबन बताया जा रहा है 17 करोड़ रुपए की लागत से इस रेलवे स्टेशन को संवारा जाएगा। और जहाँ पे इसको अभी तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी, उसको अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। जाहिर सी बात है, लखनऊ के जो लोग 800 यात्री आवागमन जिनका होता है रोजाना, उन यात्रियों के लिए एक बेहतरीन एक पहल है। उन यात्रियों के लिए सुविधा हो जाएगी जो यहाँ से जिनका रोजाना का आवागमन होता है, उन यात्रियों के लिए एक अच्छी और सुखद खबर है। बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण भी है और विकास कार्य जो है पूरे भारत भर में हो रहे हैं, तो ऐसे में अब देखना खास होगा कि कार्य जो है कब तक कंप्लीट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई लखनऊ से, जहाँ अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन के विकास का कार्य जो है शुरू होने वाला है। नवरात्रि के बाद अलग अलग स्टेशनों में कार्य शुरू होगा।